वी आर गोइंग टू लर्न मैथमेटिक्स। हमारा चल रहा था यूनिट 8, आज हमने करनी 8A हमने कर ली थी और आज हम उसकी करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स। हमने 8A में किया था पेरीमीटर और उसमें सिर्फ दो ही फार्मूलाज थे, पेरीमीटर था पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, जो हमने लर्न किए थे, याद किए थे। अब है वर्ड प्रॉब्लम नंबर 1 हमारे पास, अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 18 मीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर वाइड। हमें पता है कि 18 मीटर लॉन्ग इट मीन्स कि ये इसकी लेंथ है, 9 मीटर वाइड ये इसकी ब्रीथ है। बी हमारे पास 9 मीटर आ जाएगा और 18 मीटर लॉन्ग आ जाए, एल आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे उन्होंने हमें दिया रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल। अब रेक्टेंगुलर है इट मीन्स कि हमने पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फाइंड करना है। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ़ द डायमेंशंस ऑफ अ बॉक्स आर 8 सेंटीमीटर बाय 12 मीटर, व्हाट इज़ इट्स पेरीमीटर। अब यहाँ पे उन्होंने फिर से दे दी हुई है और हमारे पास टू लेंथ्स हैं। फर्स्ट है हमारे पास 8 सेंटीमीटर और नेक्स्ट है हमारे पास 12 मीटर। इट मीन्स कि एल हमारे पास 8 सेंटीमीटर है और बी हमारे पास 12 है। इस यहाँ पे भी हमने रेक्टेंगुलर ही फाइंड करना है, रेक्टेंगुलर ऑफ अ पेरीमीटर ही फाइंड करना है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 3, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर्ड ग्राउंड विद ईच ऑफ ईच साइड ऑफ 100 मीटर। अब यहाँ पे उन्होंने हमें क्या मेंशन कर दिया हुआ है, स्क्वायर्ड ग्राउंड। स्क्वायर्ड ग्राउंड है, हमें पता है जब हम पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास 4L इसका फार्मूला होता है, हम 4 के साथ L की जगह पे 100 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 4, अ फार्मर वॉन्ट्स टू पुट अ फेंस अराउंड हिज फील्ड मेजरिंग 35 मीटर एंड 50 मीटर, हाउ मैनी मीटर्स ऑफ फेंस डज ही रिक्वायर। इट मीन्स के वो कह रहे हैं कि एक फार्मर जो है वो एक फेंस बनाना चाहता है अपनी फील्ड के सराउंड, मतलब उसके गिर्द, तो उसकी लेंथ जो है 35 मीटर और 50 मीटर है, तो हमने उस फेंस का बताना है कि हम वो कितने मीटर रिक्वायर्ड होगी। तो इसमें हमें फिर से उन्होंने क्या पूछा हुआ है, 35 मीटर है एक लेंथ है और 50 मीटर सेकेंड लेंथ है हमारे पास। अब हमने क्या करना है, 35 मीटर हमारे पास L है और 50 मीटर हमारे पास B आ जाएगा। यहाँ पे भी हम पेरीमीटर फॉर रेक्टेंगुलर का फार्मूला लगाएंगे और तो हमारे पास इसका सलूशन आ जाएगा। ये हमारी थी वर्ड प्रॉब्लम्स अकॉर्डिंग टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर। तो इसका सॉल्व वर्क आपको PDF में मिला हुआ है, आपने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है।